चाणक्य समसामयिकी विशेष में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है D614G। इस विषय के अंतर्गत हम देखेंगे कि यह चर्चा में क्यों है। D614G उत्परिवर्तन क्या है, यह उत्परिवर्तन अलग कैसे है, उत्परिवर्तन के प्रभाव क्या है, यह भारत में कितना प्रचलित है और अंत में इस विषय से संबंधित प्रश्न पर हम नजर डालेंगे। यह चर्चा में क्यों है? कोरोना वायरस SARS-CoV-2 लगातार उत्परिवर्तन कर रहा है, लेकिन विशेष रूप से एक उत्परिवर्तन ने शोधकर्ताओं का ध्यान सबसे ज्यादा आकर्षित किया है। इसे D614G नाम दिया गया है। यूरोप, उत्तरी अमेरिका, एशिया के कुछ हिस्सों में पाया गया कोरोना वायरस का कॉमन D614G उत्परिवर्तन अधिक संक्रामक लेकिन कम घातक है। वायरस के इस उत्परिवर्तित रूप को पहले चीन और फिर यूरोप में पहचाना गया। बाद में यह अमेरिका और कनाडा जैसे अन्य देशों में फैल गया और अंततः इसे भारत में रिपोर्ट किया गया। D614G उत्परिवर्तन क्या है? जब वायरस किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है तो इसका उद्देश्य स्वयं की प्रतियां बनाना है। जब यह इस प्रतिलिपि प्रक्रिया में कोई त्रुटि करता है तो हमें एक उत्परिवर्तन मिलता है। कोरोना वायरस में स्पाइक्स होते हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार इस स्पाइक्स में D614G भी मौजूद होता है। यह म्यूटेशन अमीनो एसिड को 614 की स्थिति में डी एस्पार्टिक एसिड से जी ग्लाइसिन में बदल देता है, इसलिए इसका नाम D614G है। यह उत्परिवर्तन अलग कैसे है? D614G म्यूटेशन वायरस के स्पाइक प्रोटीन में स्थित है। स्पाइक प्रोटीन को 3 प्रोटीन श्रृंखलाओं के रूप में सोच सकते हैं। प्रत्येक प्रोटीन श्रृंखला में 2 उप इकाइयाँ S1 और S2 होती हैं। उप इकाई S1 वह है जो मेजबान कोशिकाओं को मानव ACE2 रिसेप्टर से जोड़ता है। S2 उप इकाई वायरल और मानव झिल्ली के संलयन की मध्यस्थता करती है। D614G उत्परिवर्तन प्रोटीन की उप इकाई S1 में मौजूद है और S2 उप इकाई के करीब भी है, इसलिए यह S1 और S2 दोनों के साथ मानव सेल की परस्पर क्रिया पर प्रभाव डालता है। सरल शब्दों में यह विशेष रूप से उत्परिवर्तन मानव में ACE2 रिसेप्टर के साथ अधिक कुशलतापूर्वक संलग्न करने में वायरस को संक्रमित करता है, जिससे यह अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में मानव शरीर में प्रवेश करने में अधिक सफल होता है। उत्परिवर्तन के प्रभाव क्या है? न केवल D614G ने संक्रामकता को बढ़ाया है, बल्कि इसने व्यक्ति के नाक और गले के अंदर सेल की दीवारों से जुड़ने की अधिक क्षमता प्रदर्शित की है, जिससे वायरल की शक्ति बढ़ गई है। हालांकि इस विशेष अनुवंशिक परिवर्तन और COVID-19 की गंभीरता में वृद्धि या किसी रोगी की मृत्यु दर पर इसके बीच कोई सीधा संबंध स्थापित नहीं कर सका है। यह भारत में कितना प्रचलित है? यह भारत में काफी प्रचलित है। एक अध्ययन जिसमें दिल्ली, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे विभिन्न राज्यों से SARS-CoV-2 पॉजिटिव नमूनों को एकत्र किया, जिससे पता चलता है कि महामारी का प्रारंभिक चरण D614G सबसे अधिक प्रचलित स्पाइक म्यूटेशनों में से एक था। विशेषज्ञों का तर्क है कि म्यूटेशन से वैक्सीन की दक्षता पर असर पड़ने की संभावना नहीं है, क्योंकि दुनिया भर के सभी SARS-CoV-2 स्ट्रेन में D614G संस्करण मौजूद है। आज का प्रश्न, हमारा आज का प्रश्न है D614G संबंधित है। विकल्प ए मलेरिया से, विकल्प बी डेंगू से, विकल्प सी COVID-19 से, विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। कमेंट सेक्शन में आपके जवाब का इंतजार रहेगा। पिछले वीडियो में जो प्रश्न पूछा गया था उसका सही जवाब है विकल्प ए। इसके साथ ही इस वीडियो को हम विराम देते हैं। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल and press the bell icon to never miss an update.